वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। आज मैं जा रही हूँ सासू माँ के साथ और ये रहे बहुत सारे हस्बैंड के कपड़े धोने के लिए। हस्बैंड के कपड़े, उन्होंने बहुत सारे कपड़े दे दिए धोने के लिए। पहले भी नहीं, सासू माँ ने मना किया, उसके बाद में वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, और बाद में मैंने देखा कि वो मुझसे भी पहले नीचे पहुँच गए। वो देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, वो मेरी सासू माँ है, वो जो मुझसे भी पहले नीचे पहुँच गए। फिर उन्होंने कहा तो कहाँ अकेले अकेले लगी रहेगी, तो उन्होंने कहा कि साबुन मैं लगा दूँगी तो ये पानी आ रहा है, फटाफट से पानी से निकाल दे। तो मैंने पानी से निकाल दिया, उसके बाद कपड़े धुल गए। और अच्छे फ़ायदे की बात ये हुई कि हमें वहाँ एक भैया मिल गए थे, तो तीन कपड़े रख दिए। वो लाल वाली बाल्टी वो भैया लेके आए, ये नीली वाली बाल्टी मेरी सासू माँ लेके आई, जो थोड़े कपड़े बचे थे वो मैं लेके आ गई। अब सतपुली में आजकल बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब इतना ठंडा हो रखा है कि अगर आप धूप में कपड़े डाल दोगे तो मतलब बिना ड्रायर के नहीं सूख रहा है, ठीक है, इतने कुछ गर्म नहीं हो रखा। तो मैंने क्या करा, कपड़ों को फटाफट से ड्रायर में डाला, ड्रायर में डालने के बाद उनका सुखाया, पानी निकाला, और उसके बाद उनको फटाफट से धूप में डाल दिया, क्योंकि इतना गर्म सतपुली में हो नहीं रहा है कि वो धूप से सूख जाएंगे। बस ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखें।